कवि कुलभूषण पूज्यपा श्री तिलोकृषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न। श्री भद्रबाहु स्वामी ने राजा चंद्रगुप्त के 5वें स्वप्न के फल में अकाल अधिक पड़ेंगे और हिंसा का प्रसार होगा यह कहा, जिसका वर्णन पूज्यपा श्री कवि कुलभूषण तिलोकृषि जी महाराज इस प्रकार फरमाते हैं। पांच में देखा सर्प भयंकर बारे फन कर फुंकारे, कितक साल पिछ काल पड़ेगा बारे बरस लग भयकारे। उत्तम साधु कर संथारा आत्म कारज सारेगा, कायर साधु ढीले पड़ेंगे हिंसा धर्म विस्तारेगा। खोटा दे उपदेश लोगों को होवेगा कई घर बारी, भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। स्वप्न में सर्प को देखना अनिष्ट माना गया है। राजा चंद्रगुप्त ने 12 फनों वाला भयंकर सर्प स्वप्न में देखा था, जिसका अर्थ स्वामी जी ने बतलाया कि 12 वर्ष तक लगातार भयंकर अकाल पड़ेगा। कहा भी है, नित्य मुद्विग्न मनसो दुर्भिक्ष कर कर्षिता, निरन्ने भूतले राजन नावृष्टि भयातुरा। अर्थात हे राजन, कलयुग में अन्न न मिलने के कारण लोगों के चित्त सर्वदा चिंतित रहेंगे, सब अनावृष्टि के भय से व्याकुल रहेंगे, उस पर भी लगान देना पड़ेगा जिससे उनकी और भी दुर्दशा होगी। अत्यंत वृष्टि होने से, वृष्टि के सर्वथा नहीं होने से, कहीं कम और कहीं ज्यादा इस तरह की खंड वृष्टि होने से एवं पक्षी टिड्डी चूहों इत्यादि से पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न नहीं होगा या उत्पन्न होकर भी नहीं पकने से अथवा पककर भी नष्ट हो जाने से कितने ही असहाय और गरीब मनुष्य मर जाएंगे, पशुधन नष्ट हो जाएगा। श्री भद्रबाहु स्वामी की भविष्यवाणी के अनुसार इस घटना के 1-2 वर्ष बाद ही मगध और विंध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। निरंतर 12 वर्ष तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि या खंड वृष्टि से अन्न पैदा नहीं हो सका था। सहस्त्रों की संख्या में लोग भूखों मर गए थे। कहते हैं कि एक बार श्री भद्रबाहु स्वामी स्वयं गोचरी करने एक गांव में गए। वहां एक मकान के बाहर एक नन्हा सा बच्चा रो रोकर माँ को पुकार रहा था, लेकिन माँ ने नहीं सुना। स्वामी जी शीघ्र ताड़ गए कि इस प्रांत में यथाशीघ्र अकाल पड़ने वाला है। अतः उन्होंने दक्षिण में मद्रास प्रांत की तरफ कर्नाटक की पहाड़ियों में विहार कर दिया। श्री भद्रबाहु स्वामी ऐसे भविष्य वक्ता थे कि उन्होंने जो जो स्वप्नों के अर्थ राजा को समझाए थे वे अक्षरशः सत्य हो रहे हैं। आज भी अतिवृष्टि अनावृष्टि से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। मनुष्यों ने जब धर्म छोड़ा तो भूमि ने फल देना छोड़ दिया। जब श्रावकों के पास स्वयं खाने को अन्न नहीं होगा तो हम गोचरी में उनसे क्या लेंगे? इस तरह उन्हें शर्मिंदा करना उचित नहीं। यह दुष्काल का प्रभाव है, इसमें साधुओं को गृहस्थों पर भार रूप नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोचकर 12 वर्षों के अकाल में उत्तम साधु समाधि संथारा लेकर अपना धर्म कार्य संपादित करेंगे। समाधि अवस्था में भूख और प्यास नहीं सताती। साधु धर्म ध्यान करता हुआ अबाध सुख का अनुभव करता है और उसका चित्त सांसारिकता से दूर रहकर मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। उत्तम साधु के लक्षण उत्तराध्यायन सूत्र के 15वें अध्याय में विस्तार से दिए गए हैं। साधु समाधि धारण करने में समर्थ होते हैं। वे तो धर्म संपादन एवं जन कल्याण के लिए ही जीवित है। वे दूसरों को कष्ट देकर अपना पेट भरना नहीं जानते। इसलिए अकाल के समय ग्रामों से दूर समाधि में स्थित होकर धर्म ध्यान करते हैं और जो कायर तथा अस्थिर चित्त वाले साधु है उस समय अन्न वगैरह दुष्प्राप्य होने से भोजन न मिलने के कारण संयम के पालन में ढीले पड़कर एन केन प्रकारे न अपना पेट भरेंगे और स्वयं हिंसा का उपदेश देकर लोगों को हिंसा मार्ग में प्रवृत्त करेंगे। वे स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थ बनकर भी नाम से साधु ही पुकारे जाएंगे और जनता में कुधर्म का प्रसार करेंगे। महात्मा तुलसीदास जी ने भी कहा है, बहु धाम संवार ही योगी यति विषया हरि लिन्न गई विरति,
तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कही। समय के प्रभाव से इस पंचम काल में मेघ न बरसे धरनी पर बपे न जा ही धान, अर्थात पृथ्वी पर मेघ नहीं बरसते और बोने पर भी धान नहीं उपजता। ऐसे समय में उत्तम साधु ही भूख प्यास को सहन कर आत्म धर्म पालते हैं और केवल नाम के साधु तो अपने उदर पोषण के लिए हिंसा पर उतर जाते हैं। कहा भी है कि भूख से व्याकुल प्राणी अपने स्वाभिमान को छोड़ देता है, गौरव का त्याग कर देता है, अपनी आत्मा को दीन बना देता है, निर्लज्ज बन जाता है, क्रूरता और नीचता को अपना लेता है, स्त्री बंधु मित्र और पुत्र आदि के साथ भी अनेक प्रकार के बुरे व्यवहार करने लगता है। ऐसा कौन सा निंदित कार्य है जिसे क्षुधा पीड़ित प्राणी नहीं करता, अर्थात निंदित से निंदित काम भी कर सकता है। अन्न के अभाव में वह हिंसा द्वारा अभक्ष भक्षण करने लगता है। प्रमत्त योगात प्राणव्य परोपनम हिंसा। प्रमाद युक्त मन वचन काया रूप तीनों योगों से प्राणियों के 10 प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। यह 2 प्रकार की है, पहली द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। किसी को कष्ट देना या मार डालना द्रव्य हिंसा है। मारने या कष्ट पहुंचाने के भाव हृदय में लाना भाव हिंसा है। लौकिक शांति के लिए साधारणतया द्रव्य हिंसा को रोकना आवश्यक समझा जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति बुरे भाव रखता हुआ भी जब तक उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं करता तब तक उन भावों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता, किंतु धार्मिक जगत में भावों को प्रधानता है। उदाहरणार्थ एक डॉक्टर रोगी को बचाने की भावना से उसका ऑपरेशन करता है और पूर्ण सावधानी रखने पर भी ऑपरेशन के समय रोगी मर जाता है। ऐसे समय भावना के शुद्ध होने से डॉक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगेगा और दूषित भावना रखकर रोगी को मारने की औषधि देने पर भी अगर रोगी नहीं मरे तो डॉक्टर को हिंसा का दोष लगेगा। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो, अर्थात कर्म बंधन और कर्मों से छुटकारा दोनों का कारण मन ही है। हिंसा का मुख्य आधार मन है। मन से अपना या दूसरे का बुरा सोचना हिंसा है। जो अपने वास्तविक हित को नहीं जानकर सांसारिक भोग विलास में ही अपना हित मानते हैं वे आत्महिंसक है। प्राणियों से द्रोह अर्थात ईर्ष्या द्वेष रखना हिंसा है। स्वामी जी की भविष्यवाणी के अनुसार आज सच्चे साधु कठिनता से मिलते हैं। बहुत से ऐसे नामधारी साधु हैं जो कि नशेबाज बनकर लोगों को नशा करना सिखाते हैं। मदिरापान, अभक्ष भक्षण, धन संग्रह और गृहस्थ बनकर रहना इनका काम हो गया है। कहा भी है वे भूरी संख्यक साधु जिनके पंथ भेद अनंत है। वे भूरी संख्यक साधु जिनके पंथ भेद अनंत है, अवधुत यति नागा उदासी संत और महंत है। हाँ वे गृहस्थी से अधिक है आज रागी दीखते। हाँ वे गृहस्थी से अधिक है आज रागी दीखते। अल्पज्ञ ही सच्चे विरागी और त्यागी दीखते। अल्पज्ञ ही सच्चे विरागी और त्यागी दीखते। आज के युग में संत और महंत राजाओं से भी अधिक ठाट बाट में रहते हैं। उनके पास विपुल धन, मकान, बाग, बगीचे हैं। ऐसे साधुओं के उपदेश से लोग त्याग, सत्य, दम और ब्रह्मचर्य की शिक्षा कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि साधु तो स्वयं माया मोह में फंसे हैं। पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने 6ठे स्वप्न का वर्णन करते हुए कहा है कि भद्रबाहु स्वामी द्वारा लब्धियों की हानि के लिए की गई भविष्यवाणी जिस स्वप्न में बताई गई है। 6ठे स्वप्ने देव विमान को आता सो देख्या फिरता, जिसका अर्थ सुनो तुम राजिंद दिल अंदर आनी थिरता। जंगा चारण लब्धि धारक और विद्या चारण जानो, ये दो लब्धि के हैं धारक ऐसे मुनिवर की हानो। वे क्रिय और आहार की लब्धि ये भी बिछे देगा सारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। राजा चंद्रगुप्त ने श्री भद्रबाहु स्वामी से 6ठा स्वप्न कहा कि मैंने देवताओं के एक सुंदर विमान को मेरी तरफ आते देखा, लेकिन थोड़ी देर में ही वह वापिस लौट गया।
जिसका अर्थ स्वामी जी ने बतलाया कि इतने काल तक तो ऐसे मुनि संसार में विराजते थे जो जंगाचरण और विद्याचरण लब्धि के धारक थे, लेकिन विमान के लौटने का फल यह है कि भविष्य में कोई साधु ऐसा नहीं मिलेगा जिसे ये लब्धियाँ प्राप्त हो। जिस विद्या के प्रभाव से प्राणी आकाश में गमन करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है उसे चारण लब्धि कहते हैं। जंघाचारण और विद्याचारण के भेद से चारण लब्धि दो प्रकार की है। चारित्र और तप विशेष के प्रभाव से जिन्हें आकाश में आने जाने की योग्यता प्राप्त हो उसे जंघाचारण कहते हैं। जिन्हें उक्त लब्धि विद्या द्वारा प्राप्त हो वे विद्याचारण कहलाते हैं। इन दोनों लब्धियों का अधिकार इनकी ऊपर नीचे और तिरछी गति का विषय और लब्धि का उपयोग करने वाले मुनि के आराधक विराधक का निर्णय इत्यादि का विशेष वर्णन भगवती सूत्र शतक 20 उद्देशक 9 में मिलता है। आजकल के मुनि न तप करते हैं और न विद्या ध्यान ही, कहा भी है एक काम जिनका सबको सताना, विद्या विहीन रहना बस मांग खाना। है एक काम जिनका सबको सताना, विद्या विहीन रहना बस मांग खाना, बोझा समाज पर भी अपना बढ़ाना, अच्छान जन्म उनका जग बीच आना, अच्छान जन्म उनका जग बीच आना। कहने का तात्पर्य यह कि ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, अतः अब ऐसे मुनि नहीं मिलते जिनको जंघाचारण एवं विद्याचारण लब्धि प्राप्त हो। रामायण में काकभुशुंड जी गरुड़ से कह रहे हैं, सुन खगेश कली कपट हट दंभ द्वेष पाखंड, काम क्रोध लोभादि सब व्यापी रहो ब्रह्मांड। अर्थात हे गरुड़ सुनो, इस कलयुग में कपट हट दंभ वैर पाखंड काम क्रोध मद और लोभादि संपूर्ण ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। इस तरह का इस पंचम काल का प्रभाव है। इन लब्धियों को जानने वाले संत नहीं मिलते हैं सो ठीक, लेकिन वैक्रीय और आहारक लब्धि भी संपूर्णतया विच्छिन्न हो गई है। वैक्रीय लब्धि के धारक लोग छोटे बड़े एक अनेक आदि नाना प्रकार के रूप बनाने की शक्ति रखते हैं, जिनमें हड्डी मांस लहू रात वगैरह नहीं होता, और बाद में वे रूप कपूर की तरह बिखर जाते हैं। अप्रमाद से ज्ञान सीखने वाले 14 पूर्वों के ज्ञाता मुनि भी कभी कभी प्रमादवश किसी तत्व के विषय में अनिश्चयशील हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई प्रश्नकर्ता उनके पास आकर अचानक कोई प्रश्न करे जिसके उत्तर देने में मुनि को विचारने पर भी संदेह हो जाए और प्रश्न का उत्तर उनसे ठीक नहीं बैठे, तो वे आहारक लब्धि द्वारा अपने शरीर में से एक हाथ का पुतला निकाल कर उसे तीर्थंकर या केवली महाराज की सेवा में भेजते हैं। अगर तीर्थंकर या केवली महाराज का उस स्थान से विहार हो गया हो तो वहीं पर उस एक हाथ के पुतले में से मुंडा हाथ का पुतला निकलता है और वह जहां भी तीर्थंकर या केवली महाराज हो वहां जाकर प्रश्न का उत्तर ले वापस आकर उस एक हाथ के पुतले में प्रवेश करता है। तत्पश्चात एक हाथ का पुतला मुनिराज के शरीर में प्रवेश करता है, तब मुनि के संदेह दूर होता है और वे प्रश्न का उत्तर देकर उसे संतुष्ट करते हैं। आहारक लब्धि से मुनि अपने शरीर में से ही पुतला निकालने में समर्थ होते हैं। आजकल वैक्रीय और आहारक लब्धि वाले साधु नहीं मिलते हैं। आदर्श जीवन की अपेक्षा वे आलस्य में अपना समय व्यतीत करते हैं। कहा भी है, आलस्यम यदि न भवे जगत्यनर्थ कोन स्याद बहुधन को बहुश्रुतश्च, आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता संपूर्णा नर पशुभिश्च निर्धनेश्च। अर्थात यह अशुभ कारक आलस्य यदि संसार में नहीं होता तो कौन अत्यंत धनवान और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने वाला न होता, अर्थात सभी लोग ज्ञानी और संपत्तिशाली होते। किंतु क्या करें, इस आलस्य के कारण ही समुद्र पर्यंत यह भूमि पशुओं के समान मनुष्यों से और निर्धनों से भर गई है। जब आलस्यवश शास्त्राभ्यास ही नहीं होगा तो अकर्मण्य संतों को जंघाचारण आदि अनुपम एवं दुर्लभ लब्धियां कैसे प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं। इस प्रकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने छठे स्वप्न के फल में लब्धियों का राज बताया हुआ है। जय आनंद।